मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इग्नेस्ट में वेलकम है। गाइस हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जो कि क्लास 7 का ऑप्शन किए हैं। 6 क्लास का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यह जो साइंस है, सीटेट एसटेट या आप कोई भी टेट का एग्जाम दे, टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ आवश्यक है। और मेनली हम लोग यहाँ सीटेट पेपर 2, जो कि अब जुलाई में एग्जाम होगी, वहाँ भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो बिहार 7th फेज का एग्जाम कंडक्ट करेगी टीचर बहाली के लिए, वहाँ भी यह आवश्यक है, मतलब वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 7th का, और इसका टॉपिक नेम है पादपों में पोषण। इसमें 2 क्लास हो चुका है, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। हमारे खेत में जो पेड़ पौधे उगते हैं, हम लोग जो उगाते हैं, उसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो सारा चीज तो मिल जाता है, बट जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलता है, उसके लिए भी हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। या फिर जो दलहनी फसल होता है, उसको उस खेत में उगाने से मिट्टी को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो वही है प्रोटीन जो है नाइट्रोजन। और हम लोग को पता है कि दाल में प्रोटीन होता है पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं। अमरबेल देखे होंगे, किसी किसी पेड़ पे मतलब लत्ती के समान कोई पीला पीला चीज जो रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल कहते हैं। वह आप उसको किस कहीं भी फेंक दीजिए लग जाएगा, तो वो क्या है, दूसरे पेड़ पौधा पे रह के वो जीवित होता है, उससे उसको भोजन प्राप्त होता है, भोजन मिलता है। उसमें क्या, वो उसका जो कलर येलो होता है, उसमें क्या चीज का कमी होता है, क्लोरोफिल का कमी होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। और इसका अमरबेल का जो है गाइस मेडिसिनल यूज भी है, नहीं होता है ये अपना भोजन, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब उस पे लतरा हुआ रहता, आरोहित होते हैं। ये पादप जिस पर आरोहित होते हैं, जिस पर मतलब जिस पेड़ पौधे पर होते हैं, जिस पर आरोहित होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाते हैं, वह पादप परपोषी कहलाते हैं। जिस प्लांट पर अमरबेल आरोहित होता है, उस पेड़ को क्या कहते हैं, हम लोग परपोषी कहते हैं। घाटपाड़ी
घर पर है, जिसको पीचर प्लांट भी बोलते हैं। पीचर पादप कीट भक्षी या क्या होता है, कीट भक्षी होता है, मतलब कीड़ों को खाता है, कीट भक्षी पादप है। इसके पेड़ में जो है ना पत्ती मॉडिफाई होके घड़ा बन जाता है, तो वो उसी में ये अट्रैक्ट करता है कीड़ा मकोड़ा को, और जब उसके अंदर जाता है तो फिर निकल नहीं पाता है। कीड़े सॉरी घाट के समान, घड़े के समान, घड़े के समान दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले संरचना, दिखाई देने वाले संरचना उनकी उसकी पत्ती पत्ती का रूपांतरित भाग होता है, रूपांतरित भाग होता है, रूपांतरित भाग होता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है, घड़े का ढक्कन बनता है, घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, अनेक रोम होते हैं जो नीचे की तरफ ढलके हो रहते हैं, मतलब उसका ऐसे ढलान बना हुआ रहता है ताकि वो नीचे जो घड़ा के समान बना हुआ उसमें वो कीट पतंग आके गिर जाता है। ढलके होते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं, अधोमुखी होते हैं, अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में प्रेजेंट पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। वीनस इसका और भी एग्जांपल है, घर पर भी जैसे पौधों का उसमें है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी पादपों के
अन्य एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही है, अब हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को खत्म कर दें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।